चलो इसे हमने 3 रूम रखे हैं और हम हैं वृंदावन में, और ये कपड़े को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाहर दूरी नहीं है इसलिए। और ये एक रूम है, ये एक रूम है। सर इसमें थैंक यू। और ये वाला एक रूम है। हाय 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 गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। के तो कानानी नगरी में आईवा वृंदावन में। और हम हैं अभी वृंदावन में, और आज सुबह सुबह 4:15 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और 1-2 घंटा हमें बाहर वेट किया क्योंकि यहाँ पर धर्मशाला और होटल सभी बंद हो रहती है सुबह सुबह, तो 6 बजे के आसपास खुला हो रहता है। और मथुरा में मोदी जी आने वाले हैं, मथुरा में मोदी जी आने वाले हैं, तो ट्रैफिक रहने वाला है। और वेलकम कर देती हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो जरूर से बताए कीजिएगा कमेंट करके। अभी हम जाने वाले हैं बाकी बिहारी मंदिर, उसके बाद जाएंगे निधिवन, और आगे जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारी रूम है वो दूसरे माले पर। और बस वाले ने सुबह सुबह यानी कि 4:15 बजे पागल बाबा मंदिर उतार दिया था, और वहाँ से आने तक हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये वाली गली के आगे है ये रामेश्वरम धाम। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन बाकी बिहारी मंदिर। और यहाँ से हम जा रहे हैं ई रिक्शा में वृंदावन की गलियाँ घूमकर बाकी बिहारी मंदिर तक। तो रास्ते का व्यू देख लीजिए आप लोग। जब हम पहुँचे ने वृंदावन, उसके 2 दिन बाद आने वाले थे मोदी जी मथुरा में। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर तक, और आगे जाएंगे निधिवन। और आज हम वृंदावन में रुके हैं तो वृंदावन ही पूरा घूमेंगे शाम तक, और शाम को प्रेम मंदिर जाएंगे। और दोपहर को आए थे हम बीच में होटल में आराम करने के लिए, क्योंकि रात का हमारा सफ़र था ना, तो सारे लोग थक गए थे, तो थोड़ी देर नैप लेनी थी। और यहाँ पर मंदिरों का टाइमिंग बहुत फिक्स रहता है, तो ये देख कर आना चाहिए, वरना दर्शन नहीं हो पाएंगे। और सभी मंदिर शायद दोपहर को बंद रहते हैं और सुबह और शाम खुलते हैं, शाम के 4 बजे और सुबह 12 बजे तक रहता है खुला। और वृंदावन भी पहले से बहुत चेंज हो गया है, और पहले क्या होता था पुरानी धर्मशाला वगैरह होते थे ना, वो गिराकर नए बना रहे हैं और रिनोवेट हो रहा है सभी जगह। और यहाँ पर वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, सभी जगह बंदरों का साम्राज्य चलता है, उसी की चलती है बंदरों की ही गलियों में हम घूम रहे हैं। उसको जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। और एक तो है वो फ्रूटी के शौकीन, फ्रूटी पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं वृंदावन के बंदर। और एक तो चश्मा ले जाएंगे, आपका पर्स ले जाएंगे, कुछ भी उसे मिल जाए वो ले जाएंगे। और आपकी चीज़ें सही सलामत मिले उसका कोई चांस नहीं होता, तो आपकी वो चीज़ टूट कर भी आ सकती है, तो इन बंदरों से तो बच कर ही रहना है। સાંજે પ્રસાદમાં આપે ખીચડી આપે જ કમ્પલસરી ઇસ્કોન મંદિરમાં ના આપણે નીચે ઇસ્કોન માં રાખ્યું તો ખીચડી રાખી હતી હા અમદાવાદ ઇસ્કોન માં જાવ ને ખીચડી બધે કે ભરૂચમાં હોય આપણે નહીં ગુવાલી પછી એટલે હોય ને મોટા મોટા બાઉલ બને છે અમદાવાદ જબરજસ્ત છે આયા દિલ્હીમાં જબરજસ્ત અમદાવાદ તો મેન છે અડે નથી કઈ વૈરી વાર તો ખાવતી નહીં તો કે આપી રૂપ જાવ ને રિક્ષા વાળા આવી ગયો છે હમ ખર્ચા કપડા
और यहाँ पर सभी शॉपों में एक ही नाम लिखा होता है, ब्रजवासी पेड़ा या मिठाई की शॉप। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं रियल कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। वो अंदर मेन बाकी बिहारी गली से नहीं है लाइन में प्रसिद्ध नहीं मोटी दुकान है शांति थो यहाँ पर बंदर ले जाते हैं मोबाइल पर्स वर्स सब कुछ तो रख देती हूँ थोड़ी देर। और रिक्शा स्टैंड से बाके बिहारी मंदिर तक का जो सफर था ना वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उस गली में बहुत ही बंदर रहते हैं और मोबाइल छीनकर ले जाते हैं। बंदरों से बचकर मैं वीडियो बना रही हूँ। और हम पहुँच गए हैं बाके बिहारी मंदिर वाली गली में और अभी हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर और बहुत भीड़ है लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर वृंदावन गोकुल मथुरा सभी जगह मिठाई की दुकानों का नाम होगा ब्रजवासी पेड़े वाला तो एक ही नाम है। और मंदिर के प्रांगण में भीड़ देखिए बहुत ही भीड़ थी और इसमें दर्शन कैसे हो पाएंगे ऐसी सोच रहे थे हम पर फिर भी हमने कर लिए। और मैंने बाकी बिहारी का वीडियो बनाया था पर क्लिक नहीं हुआ, अभी एडिटिंग करने बैठी तब पता चला कि क्लिक ही नहीं हुआ तो भगवान का वीडियो बनाया ही नहीं और भगवान चाहते भी नहीं होंगे इसलिए नहीं क्लिक हुआ। और यहाँ पर मंदिर में पुजारी जी बार बार पर्दा गिरा रहे थे और भक्त और भगवान के बीच के जो आइस कॉन्टेक्ट थे ना वो नहीं होने दे रहे थे। और इसकी भी एक स्टोरी है, ये यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना। मंदिर में बहुत ही भीड़ है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ इन लोगों का। और यहाँ पर भगवान के छोटे छोटे पोशाक बहुत अच्छे से मिलते हैं वृंदावन में और कान्हा जी भी। और भीड़ की वजह से सभी लोग अलग अलग हो गए थे और जो भी था ना वो एक जगह खड़ा हो गया और फ़ोन करके उसे वहाँ ही बुला रहा था। वैसे हमें आधा पौना घंटा उसमें लग गया था और उसके बाद हम जा रहे हैं निधिवन और हमारे बाकी मेंबर का यहीं पर हम वेट कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पोशाकें मिल रही थी और थोड़ी देर बाद हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो यहाँ की फेमस कचौड़ी खाने आ गए थे हम लोग, आलू का चूर और कचौड़ी। और यहाँ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लग रही थी और एकदम हींग का फ्लेवर आ रहा था और वो लोग हींग खोल कर डालते थे और भैया से मैंने पूरी रेसिपी सीख ली। और यहाँ पर हम ई रिक्शा में बैठ गए निधिवन जाने के लिए, वैसे नज़दीक पर ही है पर पता नहीं था इसलिए बैठ गए। और ब्रज की गैया बहुत ही छोटी छोटी लगती है हमें, हमारे गुजरात में थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ बहुत छोटी छोटी लगती है हमें, आपने देखा ना अभी। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा सा भी पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।